आध्यात्म गुण, आध्यात्म गुण का दूसरा नाम होता है आत्मा गुण। ठीक है, इसमें 6 गुण आते हैं। सबसे पहले बुद्धि, फिर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और दुख। बुद्धि क्या होता है? जो सर्व व्यवहार का हेतु है या कारण है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक स्मृति और दूसरा अनुभव। ऐसे स्मृति, ऐसे संस्कार, यानी संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो होता है वो स्मृति है, और इससे भिन्न ज्ञान जो उत्पन्न है, जो स्मृति से भिन्न ज्ञान है, वो अनुभव है। अनुभव दो प्रकार का होता है, एक यथार्थ और एक अयथार्थ। इसके बाद आता है इच्छा, अप्राप्त वस्तु की चाहना करना। अप्राप्त वस्तु की जो हम चाहना करते हैं उसे इच्छा कहते हैं। द्वेष, द से द्वेष, द से दह, ऐसा लगना कि जो शरीर और मन है उसमें दह के समान पीड़ा होना, उसे हम क्या कहते हैं? द्वेष कहते हैं। इसके बाद आता है प्रयत्न, अप्राप्त वस्तु की चाहना। अप्राप्त वस्तु के लिए जो हम चेष्टा करते हैं, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, हम उसके लिए जो चेष्टा कर रहे हैं वो क्या होता है? प्रयत्न होता है। प्रयत्न फर्दर दो तरह का होता है, एक होता है जीवन पूर्वक प्रयत्न, एक होता है इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न। एक वो प्रयत्न जो हम अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन को व्यतीत करने के लिए करते हैं, जैसे रस रक्त का संवहन होता है और जब हमारा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा होता है इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न, इसमें हम करते हैं कि सुख को, जो हमें सुख की प्राप्ति हो और दुख हमारा दूर हो जाए, वो प्रयत्न कैसा होता है? इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न। सुख धर्म से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, सुख धर्म से उत्पन्न जो होता है, जो हमें, जो हमारी इंद्रियों को प्रसन्न कर देता है, वो क्या होता है? वो सुख होता है। और अधर्म से उत्पन्न होने वाला दुख होता है।